आप देख सकते हो उनकी बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि मैंने बहुत पहले बता चुका था कि ये जो भर्ती है ये फेक है, लेकिन ये भाई लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी आपको बताया था कि मैं आऊँगा, ठीक है, देवलानी में मैं आ चुका हूँ, और आपको बताया था कि वहाँ की सिचुएशन क्या रहने वाली है, वो सिचुएशन भी बताऊँगा, क्योंकि भाई लोग जैसे कोई औरंगाबाद से आया हुआ है, आप देख सकते हो उनकी बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि मैंने बहुत पहले बता चुका था कि ये जो भर्ती है ये फेक है, लेकिन ये भाई लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि यार आप लोगों के लिए इतने दूर आया, मेरे ग्रुप में मिनिमम 200 से ज़्यादा बंदे, लेकिन उन लोगों को बोला ना मैंने तो बंदे नहीं आए। उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन लोगों ने, मतलब आप लोगों ने मेरे पे भरोसा करके यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि आप लोगों का मुझ पर भरोसा था और मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों का भरोसा तोड़ूँ, इसलिए मैं खुद यहाँ पर आया। तो उसके चक्कर में लोग गलत नोटिस देख के यहाँ पर आए हो, तो इनको तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा हुई है, जैसे आप देख सकते हो। भाई आप कहाँ से आए हो? औरंगाबाद से। आप सब औरंगाबाद से? दोस्तों देखो, ये भाई लोग सब औरंगाबाद से आए। मैं जो है TRMS से जो ऑफिसर है उनसे निवेदन करूँगा कि जो इन्हें जिसे नोटिफिकेशन, जिसने जो फर्जी नोटिफिकेशन जो वायरल किया है उसके विरुद्ध आप कार्रवाई करो, क्योंकि भाई औरंगाबाद से इनका काफ़ी पैसा, आप जानते हो सब किसान के बच्चे होते हैं, कोई किसान भी इसमें से जो काम करके यहाँ पे इतने दूर आया हुआ है कि TA भर्ती होगी, लेकिन उनके साथ विश्वासघात किया गया है। तो मैं जो भारत सरकार उनसे भी निवेदन करूँगा कि ये भाइयों की जो सुनवाई, क्योंकि मेरे को सुबह से अभी तक मैंने 1000 से ऊपर बच्चे आते हुए देखे हैं यहाँ पर, क्योंकि यार दुख मुझे भी होता है, क्योंकि मैं भी TRMS की तैयारी करता हूँ, मैं भी इतने दूर से आता हूँ, क्योंकि जो मेरे ग्रुप में बंदे थे उन लोगों को तो पता चल गया कि TA भर्ती नहीं है, वो लोग नहीं आए, लेकिन ये भाई को थोड़ा मालूम नहीं था, इसलिए इतने दूर ये लोग आए हुए कि भाई कुछ होगा, क्योंकि अभी देखो मिनिमम 2 साल से ARO की भर्ती आ नहीं रही है, कोई भर्ती आ नहीं रही, तो इन्होंने सोचा TA भर्ती है तो क्यों ना हम TA भर्ती में जाएँ, तो इसलिए ये लोग आए हुए हैं, ठीक है। ये सब बताना था, बाकी जब नेक्स्ट टाइम भर्ती होगी मैं आप लोगों को बता दूँगा, और यहाँ के जो जैसे नागरिक लोग हैं उन लोगों से भी पूछा तो वो भी बोले कि यहाँ पे कोई भर्ती है नहीं, जो नोटिफिकेशन था वो फर्जी बनाया गया था। मैंने बहुत कोशिश की उनसे जानने की, बाकी सबका रिप्लाई यही आ रहा है कि जो भर्ती है ये भर्ती फेक है, यहाँ पे कोई भर्ती नहीं है, ठीक है। और आगे जो बता रहा हूँ मैं कि 16 तारीख से, जो आज 16 तारीख है 18 तारीख तक के, लेकिन जो बंदे कल भी आने वाले उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई लोग आप मत आओ, क्योंकि आप लोगों को कुछ नहीं होना है, इतने भाई लोग इनका तो क्या है, पैसा किसका 1000 गया किसका 2000 गया, ये तो मेहनत से आए हुए हैं, लेकिन आगे क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स और रिलेशन की भी भर्ती चल रही है, उसके चक्कर में बच्चों का कैसा कन्फ्यूज़न हो गया है कि आखिर में TA भर्ती है या रिलेशन भर्ती है, तो इसलिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो आने वाले आगे उनको बता दो कि यहाँ पर स्पोर्ट्स और रिलेशन की भर्ती है, TA की भर्ती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप लोग ना आए, जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है मैं आप लोगों के बीच में लाऊँगा। ठीक है दोस्तों, ये सब देख रहा हूँ, मिनिमम 30 से ज़्यादा यहाँ पे भारी संख्या में भाई लोग आ चुके हैं, क्योंकि यार के साथ दुख तो बहुत होता है, इतने दूर से आए हुए, इनकी हालत देखो, रात भर सोए नहीं है, क्यों कि यार हमारी अगले भर्ती है, इसलिए टेंशन के लिए सोए नहीं है इनके। आप एक बार चेहरे में भी देखोगे तो एकदम मासूमियत होती है, जो TRMS बंदा होता है इंडियन आर्मी का, वो चीज़ इनमें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और जैसे पिछली बार आपने देखा था 2019 में यहाँ पे जब भर्ती हुई थी, ये पूरा रोड था पूरा भरा हुआ था, क्योंकि मैं खुद 2019 में यहाँ पे आया था भर्ती देने के लिए, और यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने देखा कुछ भी नहीं है, इसलिए जो आने वाले बंदे उन लोगों को बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ना आए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं होना, आप लोगों का भर्ती नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही भर्ती बताई थी मैंने कि ये जो नोटिफिकेशन फर्जी है, भर्ती है नहीं। उसके बाद भी बहुत सारे लोग जो महाराष्ट्र का पेपर कटिंग होता है उसको देखकर आया, क्योंकि देखो यार पेपर कटिंग वाले कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है, ये बात मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो एडिटिंग की गई थी और जो भाई लोग हैं उनको कन्फ्यूज़न हुआ था, तो उनका अभी क्या हुआ? आपको तो मालूम है यार, सिचुएशन देख रहे हो, लेकिन आप लोगों को बताऊँ, अभी मत आऊँ, जैसे आएगी कोई नोटिफिकेशन जो भाई लोग इन लोगों को भी बीच में बताते रहूँगा, और जो यहाँ के लोकल नागरिक है उन लोगों से मैंने बार बार बताने की मतलब कोशिश किया कि सर यहाँ पे एक्चुअली क्या है, तो उनसे भी मुझे रिप्लाई मिला हुआ है कि जो नोटिफिकेशन है फेक है। और मैंने कई आर्मी ऑफिसर से भी अंदर भी पूछताछ किया, जहाँ पे जो 116 पैरा का था मैं वहाँ भी गया हुआ था, क्योंकि वहाँ देखो यार आर्मी से अथॉरिटी नहीं मिलती है किसी चीज़ की, कि जो आर्मी की चीज़ें होती है वो बाहर अपन दिखाना ये अलाउड नहीं होता है, इसलिए मैं वहाँ के जो लोकेशन है मैं आपको नहीं दिखा पाया, लेकिन जो वहाँ के जो बातें हैं वो आप लोगों के बीच में मैंने प्रोवाइड की कि वहाँ पर क्या बताया गया है। इसमें से भी अगर बहुत सारे लोग आना चाहते तो वो लोग ना आए,
ठीक है दोस्तों, ये बताना, मिलते हैं इसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।